टी20 मैच में भारतीय टीम एक बार फिर से न्यूजीलैंड के साथ होने वाले मैच में अपना दम दिखाएगी। इसके लिए खिलाड़ियों का चयन भी कर लिया गया है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि टी20 मैच में भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। वहीं चेतन शर्मा की अगुवाई में सिलेक्शन के पंचों ने भारतीय टीम की घोषणा की है। दरअसल रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर कौन है, इस बात पर बहुत पहले से चर्चा की जा रही है, लेकिन आज हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और दोनों खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टी20 टीम के लिए चुने गए खिलाड़ियों की लिस्ट, जिनमें ये नाम शामिल हैं: रोहित शर्मा, केएल राहुल, आर गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, वाई चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल, अवेश खान, भुवनेश्वर कर, डी चहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि विराट कोहली का अब तक प्रदर्शन कैसा रहा। टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में 2012 के बाद पहली बार सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली की कप्तानी सवालों के घेरे में रही। कैप्टन कोहली ने ऐसे फैसले लिए जो समझ से परे थे। कोहली ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह टूर्नामेंट बतौर कप्तान उनका आखिरी टी20 असाइनमेंट होगा, लेकिन एक बार फिर वो भारतीय टीम को ICC ट्रॉफी दिलाने में नाकामयाब साबित हुए। 33 वर्षीय विराट कोहली बीते दिनों में तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान रहे। वहीं रोहित शर्मा लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में टीम इंडिया के उपकप्तान थे। विराट की कप्तानी में भारतीय टीम ने 95 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 65 मैचों में जीत हासिल की। बाकी के 27 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और एक मैच टाई रहा। बात करें वनडे फॉर्मेट की तो भारतीय टीम विराट की कप्तानी में साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में पाकिस्तान से हारी थी और साल 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी भारत को न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल विराट की कप्तानी में भारतीय टीम ने वनडे फॉर्मेट में यह दो ICC इवेंट्स खेले हैं। अब बात करते हैं टी20 इंटरनेशनल के बारे में तो विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने 45 मैच खेले, जिसमें से 29 मैच भारत ने जीते और 14 मैच में उन्हें हार मिली। साल 2016 में जब टी20 वर्ल्ड कप खेला गया तो उस समय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। और अब जानिए रोहित शर्मा की उपकप्तानी में वनडे और टी20 रिकॉर्ड्स। रोहित शर्मा की उपकप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक 10 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 8 मैचों में जीत दर्ज की और 2 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं टी20 इंटरनेशनल की बात करें तो रोहित की कप्तानी में भारत ने 19 मैचों में से 14 मैचों में जीत दर्ज की, लेकिन 4 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रोहित की उपकप्तानी में टीम इंडिया ने 2018 में श्रीलंका में खेली गई निदाहास ट्रॉफी जीती थी। 2018 में UAE में हुई एशिया कप में भी टीम इंडिया ने खिताब जीत रोहित की कप्तानी में जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि उस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब एक नजर IPL की तरफ तो विराट कोहली की RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अब तक IPL नहीं जीत पाई है, जबकि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम मुंबई इंडियंस का बेहद शानदार प्रदर्शन रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि रोहित शर्मा IPL के सबसे बेहतरीन कप्तान है। फिलहाल टी20 की कप्तानी के लिए रोहित शर्मा को चुना गया है और विराट कोहली को थोड़ा आराम दिया गया है, लेकिन अब आने वाले न्यूजीलैंड सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन एक तरह से रोहित की कप्तानी को पेश करेगा और अगर ये प्रदर्शन शानदार रहा तो रोहित को कप्तानी की नींव सौंपना बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द वोकल न्यूज़ हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।